जातिगत जनगणना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार। पार्टियां चाहती हैं कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो अब जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर रिट पिटीशन लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार की पिटीशन में दो अहम मांगे की गई है। पहली, पिछड़ी जाति का डेटा कलेक्ट करने के निर्देश, और दूसरी, अन्य बैकवर्ड क्लासेस का सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के दौरान जुटाए डेटा को सार्वजनिक किया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने अपने पक्ष में एक एफिडेविट जारी करते हुए तीन बातें कही हैं। पहली ये कि सरकार 2011 में हुई जनगणना के जातिगत आंकड़ों को क्यों सार्वजनिक नहीं करना चाहती। दूसरी ये कि ये एक पॉलिसी डिसीजन है। और तीसरी ये कि जातिगत आधारित जनगणना कराना व्यवहारिक नहीं है। राज्यों से उठ रही मांगों को सरकार ने इसीलिए भी खारिज किया है क्योंकि 2011 में 130 करोड़ भारतीयों का जो डेटा जुटाया गया था, उस डेटा में कई गड़बड़ियां हैं। और हैरानी की बात यह है कि सरकार 10 साल बाद भी उस डेटा का सही एनालिसिस नहीं कर सकी है। इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अब दोबारा जातियों के पचड़ों में फंसना नहीं चाहती है। ये तो हुई 2011 की बात। सरकार ने 2021 में जातिगत जनगणना न कराने के भी कारण बताए हैं। केंद्र और राज्य की सूचियां अलग अलग हैं, ऐसे में अंतर करना बेहद मुश्किल होगा। वहीं सरकार के पास जातियों को लेकर कोई रजिस्ट्री तैयार नहीं है जिसके आधार पर उन्हें बांटा जा सके। इसके अलावा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, प्रश्नावली भी तैयार हो चुकी है जिसे अब बदला नहीं जा सकता। अगर ऐसे में बदलाव होते हैं तो जनगणना कर्मचारियों की फिर से ट्रेनिंग करानी होगी। वहीं अगर कोई राज्य चाहता है कि जातिगत जनगणना हो तो उसे खुद इसका खर्च उठाना पड़ेगा, साथ ही ट्रेनिंग भी देनी होगी। सरकार ने इन सब में कोरोना को भी एक कारण बताया है। सरकार का कहना है कि कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना 2 साल पिछड़ चुकी है, ऐसे में अब कोई भी बदलाव करना जनगणना में और देरी बढ़ाएगा। तो इन तमाम कारणों की वजह से सरकार 2021 में जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती है।